हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक कूल ट्रिक जिसकी मदद से आप कोई भी स्टोरेज ड्राइव की बड़ी से आइकन को चेंज करते हुए आप आपका पसंदीदा इमेज सेट कर सकते हैं उस आइकन के बदले में। अगर आपके पास कोई भी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है तो आप जब भी उसे किसी के साथ कनेक्ट करते हो तब हर एक बार बोरिंग सा आइकन देखने को मिलते हैं। मैंने ठीक कहा ना? लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़े ही आसानी से उस आइकन को अपने पसंदीदा आइकन के साथ चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह। लेकिन इस वीडियो की हर एक स्टेप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप करते हुए अंत तक देखते रहिएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक इमेज है और मैं इस इमेज को एज ए स्टोरेज ड्राइव आइकन बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड एडिट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम पेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर आ चुके हैं। आप मेनू बार पे जो फाइल ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करते हुए सेव एज एंड देन बीएमपी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसे रिनेम कर देता हूँ जैसे कि तपस एंड पाथ चूज कर लेता हूँ जैसे कि डेस्कटॉप एंड सेव और इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ। आप चाहे तो पुराना इमेज को डिलीट भी कर सकते हो। फाइनली मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब हमें एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेना है। इसके लिए राइट क्लिक न्यू एंड देन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर लेना है और इस फाइल को एक नाम देते हैं जैसे कि टेक टिप्स एक्सप्रेस। आप कुछ भी दे सकते हो। अब इसे ओपन कर लेना है एंड दो लाइन के कोड चिपकाना है। ध्यान से देखिएगा, ओपन थर्ड ब्रैकेट, ऑटो रन, क्लोज थर्ड ब्रैकेट, एंटर दबाते हुए नीचे आना है एंड टाइप करना है आइकन स्पेस इक्वल्स टू स्पेस इमेज का नाम, मेरे केस में तपस डॉट बी एम पी। अब मेनू बार से फाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है एंड देन सेव एज। यहाँ पे आपको यही फाइल नेम देना है ऑटोरन डॉट आई एन एफ एंड ड्रॉप डाउन मेन से ऑल फाइल एंड सेव और इस विंडो को क्लोज कर देते हैं और ये जो फाइल है इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब ये दो फाइल्स को हमें कॉपी कर लेना है उस स्टोरेज ड्राइव पे जिसका आइकन हम चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पेन ड्राइव को इस केस में यूज करना चाहता हूँ तो ये दोनों फाइल को हम कॉपी कर लेते हैं एंड पेन ड्राइव को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब दिस पीसी पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये जो ड्राइवर आइकन है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पेन ड्राइव को निकाल के दोबारा इंसर्ट कर लेना है। तो मैं पेन ड्राइव को निकालता हूँ एंड दोबारा इंसर्ट कर देता हूँ। तो देखिए ड्राइवर आइकन सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, जब तक ये दो फाइल्स आपके स्टोरेज डिवाइस पे है तब तक आप इसे किसी भी सिस्टम पे यूज करते हो आपको यही नया वाला आइकन दिखाई देगा। अगर आप नहीं चाहते हो कि गलती से भी ये दो फाइल्स हाइड हो आपके स्टोरेज डिवाइस से देन आप ये दो फाइल्स को हाइड भी कर सकते हैं सेफ्टी के लिए। अगर आपको फाइल्स हाइड करना नहीं आता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करते हुए उस वीडियो को देख सकते हो। अब जब भी आपका दोस्त के पीसी पे आपका पेन ड्राइव इंसर्ट करोगे तब आपका दोस्त जरूर पूछेगा ये तूने कैसे किया। तो है ना बड़ा ही मजेदार ट्रिक। तो दोस्तों उम्मीद करते हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में जाके भी पूछ सकते हैं और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।